Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will discuss the chapter name, A Trump of Surgery. And in the previous lecture, I have already explained how did the Mrs. Pumphrey was worried about Tricky. जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी के बारे में कितनी ज़्यादा परेशान थी, और मिस्टर हैरियड ने जैसे कि उनसे बोला हुआ था कि आपको इसकी जो डाइट है उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, बट मिसेस पम्फ्री थी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थी और बहुत ही ज़्यादा उसको लीवरेज दे रही, जिस वजह से जो ट्रिकी था बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली फैट होता जा रहा था, और उसकी जो बॉडी थी ब्लड शॉर्ट हो चुकी थी एंड ब्लॉटेड सॉसेस, ब्लड सॉस में मिस होता है कि वो लाल हो चुकी थी और ब्लॉटर सूजे हुए जो मांस का टुकड़ा होता है उसकी तरह देखने लगी थी। तो फाइनली जो डॉक्टर हैरियट थे उन्हें लग रहा था कि एक जल्दी ही मिसेस पम्फ्रे उसको कॉल करेंगी, और वैसा हुआ भी। अब होता क्या है, जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो उसको जैसे कि उसने सोचा हुआ था ना मिस्टर हैरियट ने कि वो उसको कॉल करेंगी, और फाइनली वही हुआ, और मिसेस पम्फ्रे द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में मिस्टर हैरियट के पास मिसेस पम्फ्रे ने एक्सपेक्टेड कॉल किया। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे जो थी वो थोड़ी सी परेशान थी। कैसी थी, थोड़ी सी परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया था। रिफ्यूज इवन द हिज फेवरेट डिशेस, अब उसने क्या किया था, अपनी जो फेवरेट डिशेज थी उसको भी मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और उसके साथ साथ ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा था, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, उसको वॉमिटिंग आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना जो पूरा टाइम पीरियड था वहाँ पर उस रग पर, वहाँ पर जो कपड़ा होता है मोटा सा, उस पर लेटे हुए हाफता रहता था, पेंटिंग में सोता हाफता रहता। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और ना ही घूमने के लिए जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही कुछ करना चाहता था। ही हैड मेड माई प्लान्स इन एडवाइस, अब जो मिस्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे क्या करना था। द ओनली वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बस प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रिकी को किसी भी तरीके से घर से कुछ टाइम पीरियड के लिए बाहर लाना था। आई सजेस्टेड दैट, और मैंने सजेस्ट किया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फॉर टनाइट फॉर टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, अब मैंने उनको सिर्फ सजेस्ट किया कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, किस दिन, फॉर अ नाइट। फॉर नाइट मीन्स होता है अप्रॉक्स 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको फॉर नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फॉर नाइट मीन्स होता है 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है, या फिर आप अगर बात करें 15 डेज का अप्रॉक्स जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, फॉर नाइट कहते हैं। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन मीन्स देखभाल में, निगरानी में रखा जाए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि वो कैसे करता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, और जो पुअर लेडी थी वो बहुत ज़्यादा एक टाइप से बात करें कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, या वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बेहोश हो गई, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। ही सी वॉज श्योर, और वो इस बात के लिए श्योर थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अब उन्होंने इस बात को सोच लिया था, उन्हें इस बात के लिए पूरी तरह से सोच लिया था कि ही वुड पाइन, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी और मर जाएगी। क्या हो जाएगा, दुख से, पाइन का मतलब होता है दुख से कमज़ोर हो जाना। क्या होता है कि वो जो ट्रिकी है वो पूरी तरह से दुखी वजह, दुख होने की वजह से कमज़ोर हो जाएगा और मर जाएगा अगर वो मिसेस पम्फ्रे को, मतलब उसे पर डे नहीं देखेगा। ये किसकी मेंटालिटी थी स्टूडेंट्स, ये जो मेंटालिटी थी ये मिसेस पम्फ्रे की मेंटालिटी थी। बट आई टुक अ फॉर्मूला, लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं, मैंने क्या सोचा था, मैंने बहुत ही जो फर्म लाइन थी, मतलब कला तरीका था, फर्म मतलब बहुत ही, मैंने अपना जो तरीका था या अपना जो नज़रिया था बहुत ही फर्म बना रखा था, मजबूत बना रखा था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे, और यही एक रास्ता था उसे बचाने के लिए। इन फैक्ट आई थॉट, और मैंने भी यही सोचा कि बिना किसी देरी के, एंड फॉलोड बाई
मिसिज पम्फ्रेज बेलिंग और जो मिसिज पम्फ्रे हैं उनको रोते हुए क्या कि अब मैंने क्या किया, बिना किसी देरी के मैंने सोचा कि इसको वहाँ से ले जाया जाए और मैं वहाँ से अपनी कार को एक आगे ले गया और मैंने लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट लिया। अब मैंने क्या किया, जो डॉग था उसे एक ब्लैंकेट में लपेट लिया और उसे अपनी कार के साथ में थोड़ी देर आगे ले जाने लगा। अब उस टाइम पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने कार में उसे बिठाया और उस टाइम पर क्या होता है ये देखिए, द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, जो पूरा स्टाफ था वो जल्दी से उठा मैड रस्ट और जो उसके जो हेल्पर्स थे वो भागे अंदर गए और बाहर उसके जो डे बेड थे उसको लेकर, नाइट बेड थे उसको लेकर, उसके फेवरेट जो कुशंस थे, फेवरेट जो तकिए थे उनको लेकर, टॉयज़ को, रबर रिंग्स को, ब्रेकफास्ट बॉल्स को, लंच बॉल, सपर बॉल, इन सभी चीज़ों को, उसके लिए हर चीज़ अलग अलग थी, इन सभी चीज़ों को लेकर के वो मेरी गाड़ी की ओर भागने लगे। रियलाइजिंग दैट, अब मैंने सोचा कि ये सारी जो चीज़ें हैं मेरी कार में नहीं आ पाएंगी और ये सारा सामान नहीं रख पाएगा, मैंने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही आगे बढ़ा मिसेस पम्फ्रे थोड़ा डिस्पेयरिंग क्राइज और उन्होंने एकदम से चिल्लाते हुए, मतलब बहुत ही दुख से चिल्लाते हैं जैसे ही से दुख से चिल्लाते हुए कहा एंड थ्रू, और एक अपने हाथों में भरा हुआ छोटे छोटे जो कोर्स थे उसको मेरी विंडो से अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, अब मैं जब अंदर पहुंचा थोड़ा वहां से निकला तब मैंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं टर्न उस कॉर्नर से टर्न ले रहा था तो उस कॉर्नर से टर्न लेते हुए एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, जब मैंने कॉर्नर में टर्न ले रहा तो उस टाइम पर मैंने देखा जो सारे लोग थे वो किसमें थे, सारे लोग रो रहे थे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो जैसे ही वहां से जा रहा था उसके जितने भी मेट्स थे, सर्वेंट्स थे और जो स्टाफ था और जो मिसेस पम्फ्रे थी वो सारे वहाँ पर रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड, अब मैं जब वहाँ पर आउट ऑन द रोड, जब मैं वहाँ पर रोड पर पहुँच गया, मैंने उस स्मॉल डियर को, पैथेटिक मीन्स होता है बेचारे आदमी को देखा, गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई, जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ गैस्पिंग में सोता है, आहें भर रहा था या बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। मैंने उसके सर को थपथपाया, पैटेड किया और ट्रिकी ने बहुत ही मेहनत से टू वैग इज हिल, अपने टेल को सॉरी हिलाने की कोशिश की और उसने बहादुरी का काम, जैसे उसने बहादुरी दिखाते हुए अपने टेल को हिलाने की कोशिश की और मैंने कहा, बेचारा बच्चा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर मी, मैंने कहा तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक नहीं है, किक का मतलब होता है स्मार्टनेस या फिर एक टाइप से एनर्जी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, मैं इस बात को जानता हूँ, तुम बिल्कुल भी किक नहीं कर सकते, बट मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है, या फिर दूसरे केस में मेरे पास तुम्हारा इलाज है। नेक्स्ट क्या होता है, अब जैसे जो डॉग थे, जैसे वो सर्जरी के टाइम पीरियड पर वहाँ पर पहुँचा, जो सर्जरी का जो हाउस था वो वहाँ पर पहुँचा, एट द सर्जरी, सर्जरी के घर में जहाँ पर जिसकी सर्जरी होनी थी, ये किसके लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पे सर्जरी के लिए भेजा गया है, वहाँ पे जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, वहाँ पर जो रहने वाले पहले से डॉग थे, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने नीचे की ओर देखा, एट द नॉइजी पैक, नॉइजी पैक मीन्स होता है शोर शराबा, पैक मीन्स होता है झुंड, क्या होता है झुंड होता है, तो वहाँ पे जो शोर मचा रहे ग्रुप जो था उसको देखा, और जब मैंने उसे वहाँ पर जो रग था वहाँ पर लिटा दिया, कहाँ पर, पुट डाउन, मैंने उसके नीचे रखा, ली मोशनलेस ऑन द कारपेट, कहाँ पर, वो उस कारपेट पर पूरी तरह से बिना हिले डुले शांत तरीके से लेट गया। मैंने जो अदर डॉग्स थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ मूवमेंट
उसे थोड़ा स्निफिंग किया, क्या किया, स्निफिंग किया मीन्स उसको सूंघा, उन्होंने उसके चारों ओर से घूमा, डिसाइड और डिसाइड किया कि नहीं ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ ही नहीं है। तो जो दूसरे डॉग थे उन्होंने क्या सोचा, अरे ये इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे तुम ही हो, तुम कहीं पर बैठे हो सुनसान टाइप से बैठ जाओ और किसी से बात ना करो, तो कॉमनली क्या होगा, सभी लोग यही सोचेंगे अरे ये तो बहुत सुनसान रहता है, इसे किसी से मतलब ही नहीं है। तो सिंपली वहाँ पे जो जो डॉग थे दूसरे, उन्होंने भी वही सोचा और उसको इग्नोर कर दिया। ही मेड अ बेड, अब मैंने क्या किया, आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वॉर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने क्या किया, वहाँ पर जो दूसरे डॉग थे उन दूसरे डॉग के आगे या उनके बगल में मैंने एक गर्म जो वॉर्म था, मैंने एक डॉग वो बनाया जहाँ पर, और वो क्या था, ओपन बॉक्स था, क्या था, ओपन बॉक्स था, लूज बॉक्स था या फिर कह सकते हो, उसमें मैंने देखा बना दिया उसके लिए का जहाँ पर दूसरे डॉग सोते थे। स्टार्टिंग जो 2 डेज थे मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा कीप ऑन आई, मैंने उस पर नज़र रखी, गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी देता रहा। क्या दिया मैं, सिर्फ मैंने उसको पानी दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे। अब जैसे ही सेकेंड डे का एंड था, 2 दिन तो मैंने कुछ नहीं दिया उसको खाने के लिए, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैं क्या करता उसको पानी देता था पीने के लिए। अब सेकेंड डे का जो एंड था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट जो था दूसरी चीज़ों में दिखाना शुरू कर दिया, आसपास की जो चीज़ें थी, सराउंडिंग्स की जो चीज़ें थी। द थर्ड और तीसरा टाइम डे क्या हुआ, ही बिगेन टू भिम्पर, उसने की जो आवाज़ निकाल दी ना, छोटे जो बेबीज होते हैं, पपीज होते हैं, वो जो कू की आवाज़ निकालते हैं उसे बिम्परिंग कहते हैं, और उसने क्या किया, बिम्परिंग करना स्टार्ट कर दिया। कब किया, 3rd डे के स्टार्टिंग में। एंड ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने यार्ड में दूसरे डॉग्स की आवाज़ को सुना, जब मैंने डोर को ओपन किया, जब मैंने डॉग डोर को ओपन किया, ट्रिकी दौड़ता हुआ, ट्रॉटिंग मीन्स थोड़ा सा दौड़ता हुआ मेरे पास आया, एंड वॉज इमीडिएटली इंगल्स बाई जो, जो जो है जो ये एक स्पेसीज है, और ग्रेहाउंड जो है ये एक स्पेसीज है। तो क्या किया, उसे चारों ओर से घेर लिया, किसने घेर लिया, जो जो थे और उसके फ्रेंड थे, और जो उसके जो ग्रे हाउंड जो और उसके जो फ्रेंड थे, उनकी स्पेसीज थी, उन्होंने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और उसके चारों ओर से उसको क्या कहे, जैसे कि धक्का देना या उसको रोल कराने लगे, पूरी तरह से लुढ़काने लगे, और उसको कम्प्लीटली जब ऑब्जर्व कर लिया, तो वहाँ पे जो डॉग थे वहाँ से वो कंटिन्यू वापस अपने यार्ड में चले गए, जो वहाँ पर जिनका यार्ड था, जो गार्डन था, वहाँ पर वो दोबारा से वापस चले गए। पहले उसको रोल किया, ट्रिकी फॉलोड देम, अब ट्रिकी ने क्या किया, वो उनके पीछे पीछे जाने लगा, रोलिंग स्लाइटली विद ही सरप्लस फैट, अपना जो बहुत ज़्यादा मोटापा था उसके साथ धीरे धीरे रोल करते लुढ़कते हुए उनके पीछे जाने लगा। एंड लेटर डे, उस दिन के बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब क्या हुआ, मैं जो फीडिंग टाइम पीरियड था, जो खाना खिलाया जाता था, उस टाइम पर मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। जो ट्रिस्टन था, ट्रिस्टन ने क्या किया था, भोजन जो था उसके लिए बॉक्स में डाल दिया था। देयर वॉज द यूजुअल, जैसे कि वहाँ पर हमेशा यूजुअल जो हमेशा रहती थी, हेड होल्ड मतलब हेड लॉन्ग रेस्ट मतलब सर की दौड़ मतलब आगे कौन जाएगा, हेड लॉन्ग थी वो स्टार्ट हो गई थी, और कंटिन्यूसली क्या हो रही थी वहाँ पर, खाना खाने की साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, खाना खाने की जो तेज जल्दी जल्दी से खाना खाने की आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग, और हर एक डॉग जानता था कि इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह जाता है तो वो इस बात के लिए खुद लाइबल होगा कि उसको लास्ट पार्ट जो खाना का बचेगा उसके लिए कितना कंपटीशन करना पड़ेगा। मीन्स ये था कि हर एक डॉग इस बात को जानता था कि अगर उसने जल्दी जल्दी नहीं खाया तो उसका जो फूड है उसके लिए लास्ट में बचेगा, और लास्ट के लिए जानते हो आप, APJ अब्दुल कलाम ने कहा हुआ है कि मेहनत ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, मेहनत ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं।
तो स्टूडेंट याद रखो, कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखते रहो, चीज़ें आपको जरूर मिलेगी। वीडियो जब अपलोड हो, जब आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप तब देखिए। ये मत सोचिए कि सर लेक्चर डालेंगे, लिंक शेयर करेंगे तभी मैं देखूंगा, नहीं। आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप उस टाइम पे तुरंत देखिए, तो आपको कंफर्म है कोई ना कोई चीज़ जरूर मिलेगी, नई चीज़ जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट याद रखिए, मेहनत ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले पीछे छोड़ के जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिए, वही यहाँ पर कोटेशन दिया गया है, थोड़ा सा इमर्जिंग कोटेशन है, आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। अब क्या होता है ट्रिकी के साथ, जब वो उस काम को पूरा कर लेते हैं, जब वो उस काम को पूरा कर लेते हैं, अब ट्रिकी क्या करता है, वहां पर जो साइनिंग बॉस बचे हुए थे उनको चारों ओर पहले तो वो देखता है और बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही कैजुअली उनको चाटना शुरू कर देता है, एक या दो को चाट लेता है अंदर साइड। नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग से एक बॉल रखा जाता है कि फॉर हिम, एंड आई वॉज प्लीज, और मैं इस बात के लिए खुश था कि आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, कि हाँ वो अपने आप को खुद धक्का मुक्की जॉसलिंग करते हुए, क्या करते हुए जॉसलिंग। स्टूडेंट्स आपको याद होगा क्लास 9th में एक चैप्टर था धक्का मुक्की का ना, जॉसल, द साउंड ऑफ द म्यूजिक, उसमें एक वर्ड था जॉसल, ये वही वर्ड है जॉसलिंग। तो वो जॉसलिंग करते हुए अपना रास्ता बना रहा था, और कहाँ की ओर जा रहा था, टूवर्ड्स किसकी ओर जा रहा था, उन बॉल्स की ओर। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, अब उसको बिल्कुल भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी ऑफ एनी काइंड। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन दियर फ्रेंड्स स्क्रिमेजेस। अब उसके बाद क्या होता था, वो पूरे दिन अपने दूसरे फ्रेंड्स के जो डॉग्स थे उनके साथ रन करता रहता था, रनिंग करता रहता था, और जो फ्रेंडली, जो वहाँ पर जो झगड़े भी होते थे, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस भी होते थे, उनको भी ज्वाइन करता था और दूसरे डॉग्स के साथ भागता रहता था। अब वो क्या करता था, वो खुद दूसरे डॉग्स के साथ में रोलिंग करते हुए अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ लेता था। ट्रेम्ड, कभी कभी कुचला भी जाता था, स्क्वैश बहुत ज़्यादा दबाया भी जाता था, एवरी फ्यू मिनट्स, कुछ कुछ मिनट्स के लिए ही बिकेम एन एक्सेप्टेड। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक जो गैंग था उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर, मतलब एक अच्छा मेंबर बन गया कि हाँ वो उन सभी लोगों के साथ खेल सकता था। एंड अनलाइकली सिल्की, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर। अब वो जो था एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, उसका एक ग्रुप बन गया था, और वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा जनरली नॉर्मली था। और एक अगर बात करें कि रेशम जो होता है उसका बहुत ही छोटा जो क्रिएचर था, उस पर बहुत सारे डॉग्स थे, उनमें से वो छोटा, जैसे कि बहुत सारे जो डॉग्स थे, बिसी डॉग्स थे, सैगी क्रू वाले, उनके बीच में ये सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट उनके साथ में फाइटिंग करता था जैसे कि वो एक टाइगर हो। एंड शेयर हिज मील टाइम्स, और उस टाइम मील टाइम्स को भी वो शेयर करता था। और क्या करता था, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में क्या करता था, और रात में वो इस टाइप से चूहों का शिकार करता था, जैसे जो वहाँ पर रैट्स होते थे, ओल्ड हैन जो हाउस था वहाँ पर उनका पीछा करता था जैसे कि शिकार करने के लिए। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम एक्सपेंड नहीं किया था। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, और उसे एंजॉय करने दीजिए। कल हम एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर मिसेज पम्फ्रे क्या सोच रही हैं इसके बारे में। तो अभी वो जो एंजॉय कर रहा है, देखिए वो कैसे एंजॉय कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में, यहाँ पर वो पीछे से जा रहा है, और यहाँ पर जो मिसेस मिस्टर हैरियट है वहाँ पर देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर स्टूडेंट किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी
चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। और इसके साथ साथ स्टूडेंट याद रखिए, जो क्वेश्चन मैंने भी बीच में बताया हुआ था आपको, मेहनत ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, मेहनत ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कौन छोड़ के जाता है स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।